हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ, हरि हरि ओ हो, हो। व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए सार्थक चिंतन है, और सार्थक चिंतन के बाद निश्चिंत में थोड़ा आधा मिनट भी बैठ जाए फिर व्यर्थ चिंतन होता है, फिर लंबा श्वास या उच्चारण, उसको बोलते हैं कुछ न करना, निसंकल्प। गीता ने कहा न किंचित अपि चिंतयेत, वो ऐसी ऊंची अवस्था आती है कि बस साक्षात शिव बन जाओगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए टॉफियाँ बॉफियाँ या ये जो चंचलता होती है वो सब बंद करके एकदम गंभीर ध्यान में चलेंगे, और गंभीर मुंह नहीं बनाएंगे, गंभीरता के रस में शांति पाएंगे। आरती के वातावरण में पूरक करो, श्वास लो दाहे नाक से, लो लो और लो, रोको, योनि को सकोड़ लिया, मूल बंद हो गया, पेट को अंदर कर दिया, उड़ियान बंद हो गया, दाढ़ी को कंठ के तरफ दबो दिया, जालंधर बंद हो गया, मन में ओम शांति ओम शांति, सवा मिनट जप करो, फिर धीरे धीरे श्वास दाही ओर लिया तो बाही ओर छोड़ो, बाही लिया तो दाही छोड़ो, ऐसे चार पांच प्राणायाम करो, फिर देखो आज ध्यान का कैसा रसा स्वाद आता है, आज ध्यान में गहराई में ले जाऊंगा। शांति से बैठे रहना, टोपी बोपियों का जमाना गया, अब अंतरात्मा का रस। ओम शांति, श्वास रोककर ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ऐसा चिंतन करते हुए निश्चिंत नारायण में सुखी होना सीखो, रसमय होना सीखो, प्रेममय प्रभु के प्रसाद में प्रवेश पाना सीखो। पंखानो करीना कट 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 बंद, मधुर शांति, परमात्म शांति, भगवान शिव उस परमात्म शांति में रहते तो महादेव होके पूजे जाते। ओम ओम, श्वास रोक कर अंदर बाहर, ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। गहरी शांति, बाहर कब तक देखोगे,
जिससे देखा जाता है उसमें शांति का प्रसार पाओगे। बाहर का कब तक सुनोगे, जिससे सुना जाता है उसमें प्रीतिपूर्वक आराम पा रहे हम। बाहर का कब तक चखेंगे, जिससे सब चखा जाता है उसी मधुरस में विश्रांति का स्वाद चखेंगे। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो भरो और भरो, रोको। भगवान सतरूप हैं, चेतन रूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और मेरे आत्म रूप में अब भी हैं, मौजूद हैं। मैं उसमें शांत हो रहा हूं। जितनी देर रुक सकते हो इसी भाव को, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे अंतर्यामी में आराम दिला दे कोई। न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां, बस प्रेम और शांति मिले उस आत्म राज्य में पहुंचा दे, ऐसे गुरु के द्वार मुझे पहुंचा दो कोई। अब कंठ पर ओमकार का गुंजन करते हुए गर्दन हिलाएंगे दो बार, फिर से लंबा श्वास लो, एक बार और करना है, लो लो श्वास और लो। अभी यहां से सीखो, घर पे रोज करना, संध्या के समय, सुबह के समय, भोजन के पहले, दोपहर को भी ये कर सकते हैं। ये करने वाले विद्यार्थी तेजस्वी बन जाएंगे और बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति की सुरक्षा रहेगी। लेकिन भगवान को महत्व देना, ये बीमारियां भगाने की बात है तो मैं ऐसे ही तुम्हारे को रूंगे में सुना रहा हूं, बड़े फायदे और होते हैं। ओम आनंद शांति, दम मार के सवा मिनट तक श्वास रोक के रखना, अभी सवा मिनट नहीं हुआ होगा, करीब सवा मिनट हो जाए बाद में अपन करेंगे। अभी आनंद आनंद शांति, हृदय कमल खिलता जा रहा है। जल्दबाजी ना करो, फिर से गहरा श्वास लो, लो और थोड़ा लो और थोड़ा, होठ बंद करके ओमकार का गुंजन करेंगे। ये सात केंद्रों में से पंचम केंद्र है, इसके विकास से समत्व योग की जल्दी सिद्धि होती है। ओम होठ बंद, जहां तिलक करते हैं वहां ओमकार दिखे, अथवा भगवान दिखे, अथवा गुरुजी दिखे, अथवा ऐसे ही वहां पर अपना ध्यान रहे, तो ये शिव नेत्र सुविकसित होने से सूझबूझ के धनी बनने में आसानी होती है। फिर से लो, लो और लो थोड़ा और लो। योनि को सकोड़ लिया, पेट को अंदर कर दिया,
ओम शांति, ओम माधुर्य। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जिसका अंत ना हो उस आत्म शांति में हम शांत हो रहे अनंत फल में। माधुर्य देवा ओ नमः शांति, आत्मिक शांति, परमेश्वरीय शांति। शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी।
ओम शांति। रसमय आत्मा है, रसमय सुख स्वरूप है। जो हुआ है अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों? कि कर्ता प्राणी मात्र का हितेशी है। बच्चे को क्या पता माँ क्या करती है, हमारे लिए क्या हितकारी है, लेकिन माँ जानती है। ऐसे माओ की माँ, माँ तो अज्ञानता से कुछ गलती भी कर ले, भगवान गलती नहीं करते। बाप रे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। सही छजान कौन बुधाए छजान है, नहीं है। अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तेरा भाणा मीठा लाग, मौज फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा। कितना अच्छे के लिए हो गया, पता भी नहीं था कि ऐसा ध्यान करेंगे आज। फिर भी कैसा सुंदर व्यवस्था हो रही है ईश्वर की दृष्टि में, सब कल्याण कल्याण कल्याण, आनंद है। टोपियां फेंकना भी बंद हुआ, अच्छा है। फेंका हो तब भी अच्छा था, जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, जो होगा अच्छा है। होठों से जब या तो कंठ से माना ओम आत्मा परमात्मा मेरा, मैं प्रभु का, गुरु मेरा, मैं गुरु का। मन ओम आनंद शांति माधुर्य। रेलगाड़ी भी मौनी बन गई आज। ये अंतरात्मा विश्रांति ध्यान चल रहा है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई दान स्नान नहीं। ऐसा महापुण्यदायी ध्यान हो रहा है।
मधुर शांति। ओम शांति, आत्म शांति। ऐसा चिंतन करने से मन व्यर्थ का चिंतन से रहित होकर शांति और आनंद में प्रवेश पाता है। नीरसता मिटते ही निर्विकारिता आ जाती, निर्भयता आ जाती। निर्भयता आते ही सार्थक चिंतन, सार्थक कर्म होने लगते हैं। सार्थक चिंतन प्यारे ओम 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 राम ओम 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 राम जय हो। ताली जोर से मत